करते हो। अब छोड़ दो, जस्ट लीव इट यार, कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार में खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। अगर आपके अंदर सच्चाई बनी है तो वो सच्चाई सबको आप दिखा सकते हो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज मैं आप सबको बहुत ही प्यारा और सुंदर सा बातें बताने वाला हूँ, जो होगा ये YouTube के मेंबर्स, जो हमारे फैमिली हैं, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो प्यारे फैमिली, जो यूट्यूबर हमारे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ रखे हैं, उनके लिए। और भी बहुत सा जो मतलब नए नए आते हैं और किसी के साथ दुर्व्यवहार का प्रयोग करके वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो गाइज, सो लेट्स स्टार्ट नाउ द मोटिवेशनल वीडियो ऑन माय चैनल। तो ध्यान से सुने। हाय गाइज, आप लोग सोचते हो कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और फिर 2-3 दिन में इन्हें अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो भाई इससे आपका क्या फायदा बेनिफिट है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब नहीं करोगे तो अगला लोग है करने वाला है ना, और आप नहीं करते हो तो और कोई है करने वाला, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगता है वो तो करता है डेफिनेटली। और बताऊं, जो यूट्यूबर हैं बहुत से ऐसे जाते हैं कि तुम मेरे करो, हम तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे तुम्हारी कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाली। भाई हाँ, उन लोगों से सब्सक्राइब कराओ जो जेन्युइन आपको परमानेंट रहेंगे और वो आपको व्यूअर के रूप में आएंगे, यानी कि आपकी फैमिली जो बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं, आपके चैनल के मेंबर्स बनते हैं। तो गाइस, इस तरीके की भावनाओं को अपनाओ ना। उन लोगों से सब्सक्राइब मत कराओ जो खाली कर दिए और वीडियो देखने से कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो यार फिर ऐसे वीडियो बनाने से क्या मतलब बनता है? हैं, कोई फायदा नहीं है यार। आप लोग बोलते हो कि ऐसे वैसे समथिंग समथिंग, बहुत बुरी बुरी मतलब कुछ भी भले बुरा किसी के बारे में कह सकते हो, लेकिन हमें तो ये पता नहीं है यार कि आप लोग ऐसे सोचते ही क्यों है। किसी को अगर आपकी हाथों से किसी को अगर हेल्प हो जाता है तो वो जानते हैं कि आपको जन्नत के हकदार हो जाते हैं, यानी कि स्वर्ग के हकदार हो जाते हैं। तो गाइस, आप लोग जो इस तरह की भावनाओं को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बुरी आदत है, ठीक है। और ये जो आदत्स हैं, हैबिट्स हैं, ये मान लो तो सब्सक्राइबर ही छोड़ो, देयर इज नो मैटर फॉर सब्सक्राइबर या एनीथिंग, कुछ भी फील्ड में मान लो तो, सपोज दैट के लिए, ठीक है। ये सब्सक्राइबर ही के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब ही के लिए नहीं बता रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। जैसे अपने जीवन, अपने लाइफ में, लाइफ स्टाइल में लोग क्या करता है, अभी मानता हूँ कि आज कोई मजबूर पड़ा हुआ रहता है रास्ता पे, कोई गिर जाता है तो उसको लोग उठाता नहीं है। ये रहा इम्यूनिटी पावर्स, मानव का है, देखो सोचो पहले भाई। अगर आप उठा दोगे तो क्या आपकी एनर्जी कम जाएगी या आपकी सहन शौकत चली जाएगी? नहीं ना, रहेगी। अरे भाई, आप छोटे हो जाओ, क्या टेंशन है 2 मिनट के लिए, तो कौन सा बड़कपन आपको खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। आप किसी को मदद कर देते हो तो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सब बोल सकते हो, ठीक है। और मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कोई खास मकसद नहीं था, और मकसद इस मकसद पे ज़्यादातर हम डिसीजन को इस बात पे, इस ब्लॉग पे, इस बात को मैं बता रहा हूँ ताकि लोग के अंदर ये जो दुरुपयोग का उपयोग का संसाधन को प्रयोग करते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपने जो ईमानदारियों को खोते जा रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ टोटली लॉस फॉर सेल्फ ह्यूमैनिटीज। तो गाइस, इस जो ह्यूमैनिटीज है इसको खो मत, अपने मानवताओं को हटाओ मत, क्योंकि अगर आप के अंदर, एक इंसान के अंदर भी सच्चाई बची रहती है ना, तो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही एक होता है ये सच्चाई, ठीक है, एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स बने रहते हैं। अगर इस ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स को आप बनाए हमेशा नहीं रखते हैं तो आपको लाइफ में क्या बेनिफिट होने वाला है? कर लोगे आप कुछ? पूरा दुनिया में आप मार लोगे चिराग? नहीं कर पाओगे। मैं बताता हूँ, लिख कर देता हूँ कि अकेला दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, वो है आप अकेला नहीं कर सकते। जब भी करोगे सामूहिक करोगे, और जब भी करोगे तो साथ ही में चलोगे। क्या आप सोचोगे कि हम अकेले खड़े होंगे, हम इतिहास रख दें? नहीं है। आप बकवास क्यों कर रहे हो आज? तो बकवास करने का ये जरूरी थी, और ये मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी इंसान को भावनाओं को ठोस पहुंचाने वाले लोगों के लिए। अगर किसी को बुरा लगता है भाई, तो प्लीज किसी को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में गलत और भली बुरा नहीं कर। अगर किसी को आप चलने के लिए राह नहीं बता सकते हैं, तो उसे मारने के लिए सोचिए भी नहीं, ठीक है। भावनाओं को सोचना गलत बात है। देयर इज टोटली सेम थिंग लाइक दैट इन योर फ्यूचर्स, इज अ टोटली रॉन्ग अवे।
अरे बताओ कि आप दुनिया में अकेले ही रहके क्या करोगे जब किसी को आप मदद ही नहीं करते हो, तो क्या आपके अंदर इंसानियत ही कहाँ रह गया जब आप इंसान के नाते किसी को मदद नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी मानते हैं कोई मेहनत कर रहा है किसी चीज़ पे, तो आप उसको छोड़ देते हो, इग्नोर करके जाते हो, यार ये छोटा है ये क्या है। अरे भाई आपकी मानते हैं आपको, तो मुझे पता है कि आपकी MB आपके पैसे आपकी समय बर्बाद होता है फ़ोन पे, हम लोगों की वीडियो देखकर नहीं बल्कि आपको शॉर्ट वीडियो देखकर बनता है। वो क्या है वो क्या मतलब हाथ कपड़े ये शॉर्ट पहन लिए और मतलब साफ काट पहन लिए और दो कमर हिला दिए तो मतलब हो गया, वो अब देख के इंटरेस्टिंग कर लियो क्या, हम खुश हो गए लाइक ठोक दियो। लेकिन भाई जो मेहनत कर रहा है बंदा, अगर उस मेहनत का आपका उस मेहनत में आपका भी हाथ रहा है, तो आपको ये ईश्वर जो भगवान से होते हैं जो गॉड्स होते हैं ठीक है जो अल्लाह मियां होते हैं आपको ब्लेस करेंगे। ठीक है तो ब्लेस करने के लिए आपको ये सब काम कीजिएगा तब ना आप किसी को हेल्प नेचर में आएंगे। अगर नहीं करते तो फिर आपका नाम कैसे हो सकता है, होएगा ही नहीं, क्योंकि भैया वहाँ पे आपने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की है तो आपको कोई वहाँ पे मेहनत की फलता दी नहीं जाएगी। और इस पर यही देखता है कि जो बेटा मेरी ठोस को जितना सहता है उसे उतना ही स्ट्रांग बनाया जाता है। और मैं अभी इस ठेस को मैं सह रहा हूँ। ठीक है एक तो मैं छोटी से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो आप लोग सोचेंगे कि यार छोटी मुँह में बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, तो वो बात तो मेरे अंदर अंदर करने की नहीं, क्योंकि मैं शुरू बचपन से ही मेरे को सिखाया गया कि बेटे जहाँ पे दो कपड़े हैं ना, एक खुद पहनो पहनो और दूसरा किसी गरीब के दे दो जिनके पास वस्त्र नहीं हो, उनकी हेल्प हो जाएंगी, ये करना सीखो। साथ साथ में गाइस अगर कोई रास्ते पे पड़े हैं गिर जाते हैं किसी कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप सबसे पहले वीडियो बनाने लगते हो, है कि नहीं, वीडियो बनाने लगते हो। वीडियो बनाने से क्या मिला आपको, आप सोचते हैं कि हम बढ़िया काम अपने मतलब आई थिंक आप अपने जनता में सोचते हो कि मैं उसको वीडियो बना दूँ अपनी जहाँ पे हो वहाँ पर शेयर कर देंगे वो अपने पहुँच जाएंगे, तो ये दैट इज़ नॉट गुड हैबिट। ओके तो ये जो है ना इस व्यवहार बहुत बुरा है। और किसी भी देखता हूँ किसी भी माँ बहन के वीडियोस जो समथिंग किसी पर गलत चीज़ में पकड़ा भी जाते हैं तो उनको आप वीडियो बना कर डाल देते हो। यार अब सोचो भाई अगर उस जगह पे आपकी माँ बहन कहीं पे इस तरह से चलिस्ता हस्ता में पकड़ा जाते हैं और आपको कोई दूसरा कोई उस तरह का वीडियो करके डाल दे तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, आपकी फिर क्या इज्जत रह जाए। तो मैं कहना चाहूँगा जसलीलता सोचने वाले इंसान से, क्योंकि भाई आप सब सुधर जाओ, कहीं ना हो ना हो ईश्वर ना ऐसे करे कि आप लोगों की लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशन को दे दे और उसको आपको फेस करना पड़े। ठीक है मैंने तो लाइफ में बहुत तरह की सिचुएशन को फेस किया, इसलिए मुझसे अगर सच रास्ता किसी को नहीं बताया जाता हम उसको मदद भी नहीं करते, क्योंकि किसी को हम भलाई नहीं कर सकते उसको बुराई भी नहीं कर सकते हैं, है ना। हाँ सच्चाई की रास्ता पे बताओ उनके साथ बुराई नहीं कर सकते हैं। अब बताइए आज बोल रहे हैं वो उसके सब्सक्राइब कर दिए हैं और अब फिर दो दिन के बाद कमेंट आ गया कि हाँ भैया आपके सब्सक्राइब है, और अब दूसरे दिन मतलब क्या यूट्यूबर लोग क्या करता है आए नए उस खास करके नए यूट्यूबर्स के लिए हैं वो नए यूट्यूबर्स क्या करते हैं आएंगे हाँ भैया हमको सब्सक्राइब कर दो हम भी तुम्हारे कर देते हैं और कमेंट कर दिए और लाइक हो गया, और फिर दूसरे दिन के देखो कमेंट भी गायब है लाइक भी गायब है सब्सक्राइबर भी गायब है। ये है मानेबिलिटी, ठीक है ये इम्यूनिटीज मतलब टोटली केयरलेस है ना। तो इस तरह की चीजों को इस तरह छोड़ दो, जस्ट लीव इट यार, कुछ नहीं मिलेगा इस संसार में, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओ। अगर आपके अंदर सच्चाई बनी है तो वो सच्चाई सबको आप दिखा सकते हो, यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन डू समथिंग इन योर फ्यूचर for your futures and for your parents. I know that it's a very well. You have a lot of confidence for do something in your futures. Guys, तब के लिए जय जिंग, और मेरे चैनल पे नए हैं तो जिनकी अगर भावनाओं से इस भावनाओं से ठेस पहुँचेगा तो प्लीज़ माफ़ कर देंगे, आई एम सॉरी, आई एम बिग फॉर फ्रॉम यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट फ्रॉम माई साइड। ठीक है तो शेयर कीजिएगा वीडियो को और लाइक कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।